तो दोस्तों, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी देश को कितना ज्यादा प्रगति दिलवा सकता है, इस बारे में आपको जानकारी होगी ही होगी। अब इसी तरह के काम भारत के अंदर लगातार किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स हो, अच्छी सड़कें हो या फिर अच्छी रेलवे नेटवर्क हो, इन सभी के विस्तार के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। स्पेशली अगर सिविल एविएशन के क्षेत्र में देखा जाए तो जो प्रगति पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर की गई है वो एक्चुअली एक रिकॉर्ड सेट करती है। पिछले कुछ ही समय की अगर बात की जाए तो भारत द्वारा 970 कमर्शियल विमानों का ऑर्डर प्लेस किया गया है, और इससे भी बड़ी बात की केवल 2 एयरलाइंस द्वारा इतने सारे ऑर्डर्स दिए गए। ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि इतने सारे नंबर्स में एक साथ सिविल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया हो। इसके अलावा अगर सिविल एविएशन क्षेत्र का स्कोप देखा जाए भारत के अंदर, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहा है। फिर लक्षद्वीप की बात करें, जहां पर पर्यटकों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में देखें या फिर अलग अलग एरियाज जो कि भारत भर में फैले हुए हैं, सभी जगह पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एयरलाइंस का एक अच्छा खासा नेटवर्क भारत में स्थापित किया जा रहा है। इसी सीरीज में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर दिया था कि भारत की एक एयरलाइंस है जो कि काफी नई है और फिलहाल इनके पास केवल 22 विमानों का एक बेड़ा है। इस एयरलाइंस का नाम है आकाशा और ये 2022 में ही शुरू हुई। इन्होंने शुरुआत में ही अमेरिकन बोइंग कंपनी को 76 विमानों का ऑर्डर दिया था, जो कि बोइंग के 737 मैक्स विमान थे, जिनमें से 22 की डिलीवरी इन्हें हो चुकी है। और वर्तमान की बात की जाए तो इस एयरलाइंस को शुरू हुए केवल 17 महीने हुए हैं, लेकिन आपको कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि आकाशा एयरलाइंस एक बार फिर से 150 विमानों का ऑर्डर प्लेस करने जा रही है, और ये संभवतः इसी महीने यानी जनवरी में 18 से 21 तारीख के बीच में दे दिया जाएगा। तो अभी खबर निकल कर आ रही है कि एक्चुअली आकाशा द्वारा अमेरिकन बोइंग को एक बार फिर से 150 विमानों का ऑर्डर दे दिया गया है, और इस बार भी जो 150 विमान खरीदे गए हैं बोइंग से, वो बोइंग के 737 मैक्स ही हैं। तो टोटल मिलाकर इनके द्वारा दिया गया ऑर्डर 200 प्लस नंबर्स में पहुंचता है, पहले 76 उसके बाद 150। इसी के साथ इनका एक रिकॉर्ड भी सेट होता है, और वो रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि भारत की ये पहली ऐसी एयरलाइंस बन जाती है जो कि अपनी स्थापना के केवल 17 महीनों के अंदर 200 प्लस विमानों का ऑर्डर देती है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दरअसल इनके विमानों की संख्या बढ़ाने के पीछे डेफिनेटली इनके एक तो यही एम्बिशन होगा कि अपनी एयरलाइंस को और ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए। इसके साथ साथ ये लोग डोमेस्टिक फ्लाइट के अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी देख रहे हैं, यानी इनके विमान अब इंटरनेशनल ट्रैवल भी करवाएं, इसके लिए ये लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस समय की अगर बात की जाए तो प्रोटोकॉल के अनुसार आपकी एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तभी मिल सकती है जब आपके बेड़े में कम से कम 20 विमान हो। तो अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर इनके बेड़े में अब 20 से ऊपर यानी 22 विमान हो चुके हैं, तो ये इस क्राइटेरिया में पूरी तरह से फिट आते हैं। अब इन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए परमिट मिल जाएगा, और इसके लिए शुरुआत ये लोग करने जा रहे हैं भारत के आसपास के देशों में, यानी कतर और सऊदी अरेबिया। दरअसल इनकी उड़ानें कतर की राजधानी दोहा और सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में शुरू कर दी जाएगी। तो काफी अच्छी बात है कि भारत की एक और एयरलाइंस इस लेवल की हो चुकी है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अब मेंटेन कर सकती है, और साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए जो विमानों की कमी भारत के अंदर देखी जा रही थी उसकी भी काफी क्षतिपूर्ति इस नए ऑर्डर के बाद हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।